नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे पिज्ज़ा, वो भी विदाउट अवन। देखिए कितना सुंदर चीज़ी पिज़्ज़ा बना है बिना अवन के। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने लिया आधा बोल मैदा और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ हाफ चम्मच सॉल्ट। और सॉल्ट को मिलाने के बाद फिर इसमें मैं ऐड करूँगी एक चम्मच क्रश्ड किया हुआ शुगर। इसको अच्छे से मिलाएंगे। मिलाने के बाद, धीरे धीरे मिलाने के बाद इसमें मैं ऐड करूँगी दो चम्मच घी। घी को अच्छे से मैदे में मिलाना है। धीरे धीरे से मिलाइएगा ताकि इसमें मैदे में कोई भी लम्स ना रहे। और उसके बाद मैं ऐड करूँगी तीन चम्मच दही, जो कि पहले से फेटा हुआ है। दही को भी मैदे में बहुत अच्छे से मिलाना है। अच्छे से मिलाने के बाद फिर इसमें मैं ऐड करूँगी वाटर। वाटर ऐड करके फिर मैं अच्छे से डो बनाऊंगी इसका। तो ये डो हमारा बन चुका है और अब मैं इसको एक कॉटन के कपड़े से अच्छे से ढक दूंगी एक घंटे के लिए। अब कढ़ाई को प्री हीट करने के लिए मैं ले रही हूँ आधा किलो नमक, और नमक को अच्छे से कढ़ाई में स्प्रेड कर देंगे ताकि ये इवन हो जाए। और इसके बाद फिर मैं एक स्टैंड इसमें रखूँगी और स्टैंड रखने के बाद कढ़ाई को ढक दूंगी 10 मिनट के लिए ताकि कढ़ाई हमारी प्री हीट हो जाए। अब जो डो हमने बनाया था उसका 1/4 पार्ट मैंने लिया है पिज्ज़ा बेस बनाने के लिए। अब देखिए इसको धीरे धीरे से बेलते हुए एक राउंड शेप देना है। तो हमारा पिज्ज़ा बेस ये तैयार है। अब मैं ले रही हूँ एक प्लेट पिज्ज़ा के मोल्ड के लिए और इसको मैंने ऑयलिंग किया हुआ है। अब इसके ऊपर धीरे धीरे मैं इस पिज्ज़ा बेस को उठा के उसको इसमें रखूँगी। अब ये ध्यान रखिएगा कि इसके कॉर्नर मोटे रहे। अब मैं इसमें अप्लाई कर रही हूँ पिज्ज़ा सॉस। मैंने मार्केट से लिया हुआ है, आप चाहे तो घर पे भी बना सके उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए पिज्ज़ा सॉस अच्छे से इसमें स्प्रेड हो चुका है। अब मैं इसमें यूज़ करूँगी अपना होममेड वाइट सॉस। वाइट सॉस बनाने की रेसिपी मेरे चैनल पे है, आप चाहे तो वहाँ से देख के बना सकते हैं, अदरवाइज़ आप मार्केट से भी ले सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा मैं पहले मोज़रेला चीज़ स्प्रेड करूँगी। ये अब पिज्ज़ा को डेकोरेट करते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है ग्रीन कैप्सिकम। सबसे पहले मैं कैप्सिकम से सजा रही हूँ इसको। इसके बाद मैं इसमें टमाटो ऐड करूँगी। आप चाहे तो और भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये सिर्फ तीन ही चीज़ ली हुई है, अनियन, कैप्सिकम और टमाटो। तो ये वेजिटेबल्स से ऑलमोस्ट मेरा पिज्ज़ा सज चुका है। ये देखिए, आप चाहे तो इसमें पनीर भी ऐड कर सकते हैं या मशरूम या स्वीट कॉर्न से भी आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी एक मोटी सी लेयर चीज़ की। मैंने यहाँ पे लिया है डाइस्ड चीज़, और आप चाहे तो चीज़ स्लाइस भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। जिस भी फॉर्म में आपको चीज़ पसंद है आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो हमारी कढ़ाई यहाँ पे प्री हीट हो चुकी है। अब पिज्ज़ा को धीरे से इसमें रख देंगे। पिज्ज़ा रखने के बाद फिर मैं इसको कढ़ाई को ढक दूंगी और उसको 20 से 25 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पे इसको छोड़ देंगे। तो हमारे 25 मिनट हो चुके हैं, चलिए देखते हैं पिज्ज़ा रेडी हुआ कि नहीं। तो ये देखिए पिज्ज़ा तैयार है बिल्कुल, कितना सुंदर दिख रहा है। चलिए अब इसको गार्निश करते हैं। इसके लिए मैं सबसे पहले चिली फ्लेक्स ले रही हूँ और चिली फ्लेक्स को पूरे पिज्ज़ा में स्प्रेड कर रही हूँ। अब मैं ले रही हूँ ओरिगेनो, इसको भी पूरा पिज्ज़ा पे स्प्रेड करना है धीरे धीरे, जिस तरीके से मैंने चिली फ्लेक्स किया था। ये देखिए अब इसको कट करते हैं। देखिए काटने से ही पता चल रहा है कितना चीज़ी बना है। ये देखिए, तो हमारा डिलीशियस पिज्ज़ा बनके तैयार है। आप अपने फैमिली फ्रेंड्स सबके साथ एंजॉय कीजिए। देखिए कितना चीज़ी और यम्मी पिज्ज़ा बना है। तो इस रेसिपी को ट्राई करना ना भूलें और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।